अच्छा कॉलेज मिलने के लिए कितने मार्क्स चाहिए प्राइवेट में? प्राइवेट में भी एक अच्छा कॉलेज मिलने के लिए तो 500 प्लस तो होने ही चाहिए ताकि अच्छा कॉलेज एक मिल जाए। फिर भी अगर अच्छा कॉलेज मिल भी रहा है तो उसका जो फी है बहुत हाई है, तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि फी कम करे ताकि जो मतलब एवरेज बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास वाले हैं, वो अफोर्ड कर पाए, अपना सपना पूरा कर पाए। नाम? मेरा नाम अफरोज खान है। अफरोज कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। कोटा कितना टाइम हो गया आपको कोचिंग करते हुए? कोटा 2 साल, पिछले साल 12th में था और ये फर्स्ट ड्रॉप लिया है। इस बार आपने ड्रॉप लिया तो क्या मार्क्स आए थे आपके? मेरे 500। और आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने इस बार भी काउंसलिंग की होगी, तो आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए कितने मार्क्स आपको जरूरी है? मिनिमम 600 प्लस तो होने ही चाहिए। तो इस बार तो तैयारी होगी आपकी 600 प्लस की? हाँ, अभी तो तैयारी चल रही है। मैं कुछ सजेशन चाह रहा था आपसे, लाइकली जैसे अभी अपन ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें भी मिनिमम रहती हैं, प्राइवेट में ज्यादा सीट्स हैं। एक चीज और थी कि यदि किसी बच्चे के 600 से डाउन मार्क्स आ रहे हैं, लाइक 500 to 600 के बीच में यदि किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके पास में कोई ऑप्शन हो करियर में, लाइक MBBS के अलावा कुछ हो? हाँ, MBBS के अलावा तो बहुत सारे हैं, जैसे आप PharmD कर सकते हो, BSc कर सकते हो, डेंटल ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर उसका सपना है कि मुझे MBBS ही करना है, तो मेरा सजेशन कि एक ड्रॉप लेके देखे, अगर इतने तक वो पहुंचा है तो और आगे भी वो पहुंच सकता है। आप जैसे अभी 600 के अराउंड आपका मार्क्स आता है, तो आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में एक अच्छे कॉलेज के लिए आप कितना मार्क्स लेना चाहेंगे? 650 तो होने ही चाहिए मिनिमम, ताकि एक अच्छा कॉलेज मिल सके। लाइक मीन से 5 से 6 हज़ार रैंक के आसपास में होगा तो बेटर इंस्टीट्यूट, इतना तो होना चाहिए ताकि अच्छा कॉलेज मिल सके।